आप सभी माँ के प्रिय भक्तों को प्रणाम। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। आज अपन जहाँ पे खड़े हैं ये शारदा माता के प्रिय भक्त आल्हा जी की पवित्र भूमि है। यहाँ पर आल्हा जी सुबह सुबह स्नान करते हैं और सबसे पहले शारदा माता की पूजा करते हैं। शारदा माता ने उन्हें अमर रहने का वरदान दिया था। तो चलिए देखते हैं, पहले एक खेल देखते हैं। ये एक मेरे पास रस्सी है, क्या है रस्सी है, मैं इसको ऐसे एक फूक लगाता हूँ, ऐसे ऐसे फूक लगाया तो मेरी रस्सी ऐसे डंडी की तरह खड़ी होगी। बोलिए शारदा भैया की जय। फिर ये ऐसे खड़ी रहेगी और अगर इस पे दूसरी फूक लगाया तो ऐसे भी हो गई। बोलिए शारदा भैया की जय। तो शारदा माता से कुछ भक्तों ने कहा कि माँ मेरे जीवन पे सुख शांति और आनंद नहीं है, तो माँ ये कहती है कि ऐसी सुख शांति और आनंद हम 24 घंटे लुटा देते हैं, उड़ा देते हैं, सबको मिलती है। तो भक्तों ने कहा मुझे क्यों नहीं मिली, तो माँ ने क्या सुंदर जवाब दिया कि जिसके स्वभाव विचार और आचरण अच्छे नहीं होते उन्हें कभी भगवान की कृपा नहीं मिलती। तो चलिए एक दूसरा खेल देखते हैं। ये मेरे पास एक घड़ा है, क्या है घड़ा है, इस घड़े के अंदर जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है जल भरा हुआ है। मैं इसको ऐसे खाली कर दिया, फिर ये खाली हो गया, फिर इसको ऐसे सीधा किया और बोले गंगा मैया की जय और शारदा मैया की जय, और जय बोला और ये फिर मेरा घड़ा भर गया। मतलब जल ही जीवन है, जल को कभी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए और जल में साबुन लगाकर गंदे कपड़े नहीं धोना चाहिए। फिर देखिए बोले गंगा मैया की जय और शारदा मैया की जय, और जय बोला और फिर मेरा घड़ा भर गया। हम जितनी बार जाएंगे उतनी बार ये घड़ा भरता है। बस संदेश वही, जल ही जीवन है, जल नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे हरे भरे नहीं रहेंगे, और पेड़ पौधे हरे भरे नहीं रहेंगे तो बरसात नहीं होगी, और जब बरसात नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, तो हम सभी लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो शारदा माता यही कहती है, पहले बड़ों का सम्मान करो, किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करो, साफ सफाई बनाए रखो, और हो गई मेरी पूजा और आप सभी लोग बिल्कुल आनंद में रहेंगे। तो चलिए एक लास्ट वाला खेल देखते हैं, दौर से देखेंगे आप। जे मेरे पास एक छोटा बच्चा था। शारदा माता बिल्कुल सटीक अपने भक्तों को समझाती है कि छोटा बड़ा गरीब अमीर सब मेरी संतान है, जो मेरी पूजा करता है उससे भी खुश और जो पूजा नहीं करता उससे भी खुश। तो देखिए ये एक छोटा बच्चा था, क्या था छोटा बच्चा, इसको रख दिया इधर, ये उस बच्चे की मम्मी और ये उस बच्चे के पापा। तो बच्चे की मम्मी बच्चे के पापा से बोली चलो शारदा माता के यहाँ जो कोई जाता है तो शारदा माता उसके सारे कष्ट ले लेती है और सुख शांति और आनंद दे देती है। तो बच्चे के पापा नहीं आ रहे थे तो बच्चे की मम्मी उनका ऐसे हाथ पकड़ी और दोनों जने आए तो एक जगह पे बैठ गए। फिर क्या हुआ, ये छोटा वाला बच्चा घर पे रोने लगा, क्या करने लगा, रोने। बोले चलो यार हम भी चलते हैं, और ये बच्चा चल तो दिया पर चलते चलते ये रस्ते पे गायब हो गया, मतलब गुम गया। कैसे, इस तरह से बच्चा चल दिया और रस्ते पे ऐसे गायब हो गया। बोलिए शारदा भैया की जय। फिर देखिए शारदा माता को पता चला, उस बच्चे को ढूंढ के मम्मी पापा को दे दी। तो ऐसे बच्चा मम्मी पापा को पकड़ के घर तरफ जा रहा है। बोलिए शारदा भैया की जय। इस तरह से शारदा माता अपने भक्तों को समझाती है कि साथ बड़ों का सम्मान करो और किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करो। आप इतना कर लोगे तो मेरी कृपा 24 घंटे आपके साथ रहेगी, आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी कि आप कभी दुखी रहें। पर कब, जब माँ का कहना मानेंगे तब। तो चलिए एक खेल अभी और देखते हैं, इसको इधर रख देते हैं फिर समापन करते हैं। शारदा माता आप सभी से भी खुश रहेंगे कि न रहेंगे। हम इसको इधर से पकड़ते हैं, भैया जी देखेंगे। ये एक मेरे पास रुमाल है, मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, अगर ये गांठ खुल जाएगी तो हम आप सभी लोग बहुत सुखी और आनंद से रहेंगे, पर अगर ये गांठ नहीं खुलेगी तो हम आप सभी लोग सुखी और आनंद से नहीं रहेंगे। तो ऐसे ये गांठ लग गई, मैं इसको ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे छुपाया इसके आपके सामने ऐसे, अगर ये गांठ खुल जाएगी तो हम आप सभी लोग बहुत सुखी रहेंगे और अगर नहीं खुलेगी तो फिर दुखी रहेंगे। तो ऐसे फूक लगाया और इसको ऐसे खोल के देखा तो ये गांठ खुल गई। बोलिए शारदा मैया की जय। आप सभी लोग सुखी रहें, आनंद से रहें। मैं शारदा, माँ शारदा की पवित्र भूमि में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। आपका नाम क्या है? जादूगर ललित विश्वकर्मा सतना। मैं स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण, जल संरक्षण पर मतलब खेल दिखा के, गाने सुना के लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। और आज आप सभी लोग घर में पधारे तो मैं आप सभी के बीच अपनी प्रस्तुति दिया।
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आप यहाँ पे रोज ये जादूगरी दिखाते हैं? नहीं नहीं, कभी ऐसे अवसर अगर मिलता है तो महीने दो महीने में यहाँ आते रहते हैं। क्या होता है, यहाँ के जो SDM साहब प्रशासक हैं वो मेरे को कभी न कभी बुलाते हैं कि कोई समारोह हो तो लोगों को बढ़िया खेल दिखा के समझाओ कि स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण क्या है। मतलब आपका मेन फोकस है स्वच्छता के ऊपर? हाँ, स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण। जी जी। और बाकी जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसी विषय पर, ये भी है तो मेरे को सरकार ने रजिस्टर्ड कर लिया है कि आप जो है इस विषय पर जो कार्यक्रम करते हो तो 15 अगस्त 26 जनवरी पर मुझे लोग बुलाते हैं। आपकी बातों को लोग अनुसरण करें, उसको फॉलो करें और स्वच्छता के ऊपर ध्यान दें, गंदगी ना फैलाएं। जय माता दी। जय माता। Please like, share, comments and subscribe my channel.